to think how the speech and the number what should be a elaborate the how to get be a platform dene ke liye aur main aap sab ki smart pe aaya nahi hona chahta kyunki bahut hi bada khatra pe pur hai aur mera topic unke motivation se related hai aur topic and I think it is possible main sirf is topic ki line explain karke aapse zyada sakta hu आपका ज़्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि इंतजामिया की मुश्किल मैं खुद एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर रह चुका हूँ ये बेहतर तरीके से अंदाजा है क्योंकि क्या मसाले टॉपिक की एक लाइन जो आपको नज़र आ रही है नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर मैं इसको सिर्फ चेंज कर दूँ तो आपको क्या लग रहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल का एक और सब्जेक्ट क्या एवरीथिंग इज पॉसिबल नथिंग इज इम्पॉसिबल मीन्स दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल क्रिकेट पाकिस्तान में पैशन के तौर पर जानी जाती है इसलिए मेरी एग्जाम्पल फ्यूचर रेलिवेंट रहेगी शेयर अंदर रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम सुना था किसी इनफेक्ट बात याद रखिएगा बात करने का मकसद क्या है मैं बोल के जा रहा हूँ आप सुन रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अंदरूनी तौर पर कुछ नया करने के लिए आमादा नहीं है मोटिवेशन दर हकीकत अंदरूनी एक ऐसे जज्बे का नाम है जो आपको कुछ नया करने के लिए आमादा करे ये मोटिवेशन का हकीकत ताल्लुक हमारे अंदरून से है एक बोलने वाले के अल्फाज से नहीं ठीक फिर वक्त रावलपिंडी एक्सप्रेस 1997 में कैरियर स्टार्ट हुआ ग्रेजुएट का स्टेडियम एक्सटेंशन 1996 में जब वो कॉम्पिटिंग कर रहे थे तो एक टेस्ट के कैरियर तो इंग्लैंड में एक डॉक्टर के पास अपने घुटना चेक करवाने डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका टारगेट क्या है मैं जी 99 का वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ और 99 का वर्ल्ड कप मैं कह रही 15 से 20 टेस्ट खेल सकते हैं अब जो हम जानते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं हमारा जो घुटना है और हमारी जो टांग है इसके दरमियान ये जो मूवमेंट होती है ये कार्टिलेज की वजह से होती है कार्टिलेज ना हो तो मूवमेंट नहीं हो सकती फिर उत्तर साहब पहली बात तो ये फ्लैट फुटर फ्लैट फुटर को हमारी कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अपनी फोर्स नहीं रखती ठीक अब वो कार्टिलेज खत्म हो चुकी है जैसे आप भागेंगे तो ये कार्टिलेज जो मजीद थोड़ी बहुत है ये भी खत्म हो जाएगी पर आपकी दोनों हड्डी आपस में रगड़ खाने से इसमें पानी कर देगी इस जैसे सीरियस इशू हो सकते हैं मैं नहीं समझता क्या एक फुट पे फास्ट बॉलर्स का काम इधर भागना है और उसके घुटने के साथ प्रॉब्लम ठीक और वो उसका डॉक्टर से कब कह रहा है 1996 में इससे बड़ी मोटिवेशनल की बात और क्या होगी कि उसी बॉलर ने 2003 के वर्ल्ड कप में दुनिया की तेज स्पिन बॉल खेली क्या बात बॉल आपसे कहता है तो मुझे मार के बैठना पड़ता वो फास्ट बॉलर और पाकिस्तान की इतना कॉन्ट्रोवर्सी के जितने वो कॉन्ट्रोवर्सी आपने कह रहे थे शायद जो कर रहा हो ठीक है और जितने वो पूछा गया इंटरव्यू के अंदर फिर भी कितनी दफा टूर से घर भेजने की धमकियां मिली हैं टूर स्टेडियम में हो रहा है धमकी देता कोच और मैनेजर तो वापस भेज देंगे बेटा ज्यादा नहीं तो 15-20 दिन इतने मसाज मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा भी था अब कहने का मकसद ये है कि 1996 में डॉक्टर कह रहा है कि 15 से 20 टेस्ट खेल सकते हो उनके ट्रैक रिकॉर्ड तो 70+ है 200+ ODI है 15+ T20 मैचेस है 450+ लिस्ट ए कैरियर विकेट्स है और 250+ इंटरनेशनल विकेट्स है भाई अगर आप ये समझते हो कि अभी भी कुछ नामुमकिन है तो फिर आपको किसी और के तो सुनने से ज्यादा अपने आप पे काम करने की जरूरत है कोई मोटिवेशन आपको नहीं दे सकता जब तक आप रेडी नहीं है खुद को चेंज करने के लिए जब तक आप रेडी नहीं है अपने आप से मोटिवेशन लेने के लिए आपका सबसे बड़ा ट्रेनर आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद हैं कोई कुछ नहीं कर सकता मैं यहाँ आके बोल सकता हूँ आप सिर्फ सुन सकते हैं इन अल्फाज को सुनने के बाद अमल करने का सारा काम आपका है मेरा काम इन बोलने के बाद खत्म हो जाएगा अगर कोई शख्स ये समझता है कि दुनिया में कुछ नामुमकिन है अच्छा नामुमकिन और मुमकिन आप थोड़ा सा मैं क्लियर कर अब हमें जो काम कर रहे हैं यहाँ पे एक स्टार के सर बात कर रहे थे पूजा के छुट्टी चाहिए छुट्टी नहीं मिलती कि ऐसा काम जिसे आपको छुट्टी देनी ना पड़े आप वो काम करें अब ये कैसे पता चलेगा कि वो जो काम कर रहे हैं वो हमारे इंटरेस्ट के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा शेब अख्तर का पैशन क्रिकेट था 22 करोड़ की आबादी के हर बंदे का पैशन क्रिकेट नहीं है उन्होंने भी तो अपना पैशन फाइंड करना है ना वो पैशन कैसे फाइंड किया जाए तो यकीन जानिए जहाँ आपका प्रोफेशन इज इक्वल टू पैशन हो जाए समझ जाए कि वो आपका राइट प्रोफेशन है सही बात है इनफैक्ट बात क्या खत्म हो जाती है कि अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि मेरा जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे इंटरेस्ट के साथ मैच करता है कि नहीं करता या ये मेरे पैशन से रिलेवेंट चीज़ है जिस काम को करने में लुत्फ आए वो आपका पैशन
और वो आपके लिए राइट प्रोफेशन है। और जिस काम को आप 8 to 5 हेडेक समझ के सिर्फ एक बर्डन उतार रहे हैं, तो फिर जान लीजिए वो आपका राइट प्रोफेशन है। थैंक यू सो मच अगेन, वेरी थैंक यू।